आज कानपुर के डीएनजी ग्रैंड होटल में एक दिवसीय एमबीबीएस एडमिशन एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर व आसपास के क्षेत्रों से उमड़ी भीड़। सभी छात्र व छात्राओं ने काउंसलिंग ली और फ्यूचर प्लानिंग करी। इस एक्सपो में 80 से अधिक छात्र शामिल हुए और 25 से अधिक छात्रों ने रूस, बांग्लादेश और साउथ अमेरिका जैसे देशों में प्रवेश लिया। एजुकेशन एक्सपो में मैनेजर रेनू शर्मा ने बताया कि कंपनी नोएडा बेस है और 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस एक्सपो में मैरी स्टेट यूनिवर्सिटी, पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, पीएसक्यूओवी स्टेट यूनिवर्सिटी और टार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भाग लिया। इसके साथ ही बांग्लादेश के सभी मेडिकल कॉलेज और लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी भी शामिल रही। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से और क्या कुछ कहा रेनू शर्मा मैनेजर ने, वो भी सुने। Myself Renu Sharma, मैं रूस एजुकेशन से हूँ। लास्ट 11 ईयर्स से आई एम वर्किंग हियर इन दिस कंपनी एंड रूस एजुकेशन एंड एजुकेशन अब्रॉड इज सेंडिंग स्टूडेंट्स टू अब्रॉड यूनिवर्सिटी, जहाँ पर हम लोग जो है लेकर आए हैं रशिया की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है रशिया की। एंड साथ ही साथ हमारे पास में बांग्लादेश के कॉलेजेस हैं जो कि एफिलेटेड है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से, एंड साउथ अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग जो है एक अफोर्डेबल फ़ीस देते हैं, जैसे कि इंडिया में बच्चों को सीटें नहीं मिलती हैं, तो इसी वजह से हम लोग उनको एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि वो गवर्नमेंट की सीटें या जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको चूज़ करें। और मिनिमम 25 लाख रुपये 20 लाख रुपये में उनका पूरा कोर्स कम्प्लीट हो जाता है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी वो लोग चूज़ कर पाए। साथ ही के साथ हम लोगों ने अभी एट प्रेजेंट में मोर देन 50 स्टूडेंट्स यहाँ पे विजिट कर चुके हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 15-20 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जो कि अब्रॉड में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जिन्होंने अपना जो है सीट बुकिंग कर ली है। ये अभी एक ही दिन का है, ये वाला जो एक्सपो है ये एक ही दिन का है, लेकिन हम लोग जो है ऐसे काफ़ी सारे सेमिनार्स अलग अलग शहरों पर यूपी के, उत्तराखंड के, हरियाणा के अलग अलग शहरों में करते रहते हैं। कानपुर के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट होकर आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट हमारे साथ आए हुए हैं, मिल रहे हैं बच्चों से और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, 6 साल का जो इनका एक्सपीरियंस रहा था यूनिवर्सिटीज़ में, और जो बच्चे यहाँ पे एफएमजी क्वालिफाई कर चुके हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी आइएगा और ज्वाइन करिएगा यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन।